हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस एकेडमी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एस्टेट 2019 को आए हुए लगभग 3 साल हो गए और इसका रिजल्ट प्रकाशन 2021 में ही हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी ज्वाइनिंग की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई और छात्रों द्वारा धरना देने के बाद से शिक्षा विभाग ने एक नोटिस जारी किया था कि अगस्त के फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आएगा। 7वें फेज को लेकर नोटिफिकेशन में बताया जाएगा कि एस्टेट की बहाली कब होगी, कैसे होगी और कब तक इसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो देखना होगा कि बिहार स्टेट जो 2019 में वैकेंसी आई थी, ये प्रक्रिया कब तक होती है और अभ्यर्थियों को कब तक ज्वाइनिंग मिलता है। लेकिन उससे पहले कुछ ही दिनों पहले हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कॉमर्स के अभ्यर्थी हैं उनको दोबारा से परीक्षा, यानी उन्हें मौका नहीं दिया गया था 2019 स्टेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो उनके लिए यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया जाना है और फॉर्म अप्लाई करने के बाद ही एग्ज़ाम होगा उनको। तो उसके लिए शिक्षा विभाग ने एक अलग से नोटिस भी जारी किया हुआ है, जिसके कारण सभी अखबारों ने इस नोटिस को यहाँ पे छापा है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन हुआ है कि क्या सिर्फ कॉमर्स का एग्ज़ाम होगा या फिर एस्टेट 2022 में सभी विषयों का एग्ज़ाम होगा। और न्यूज़पेपर में भी इस बारे में बताया गया है, आज ही के न्यूज़पेपर में ये दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने विषय तय किए एसटीटी और यहाँ पे उच्च माध्यमिक में कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी विषयों की परीक्षा होगी। यहाँ पे आप न्यूज़ देख रहे हैं, जैसा कि इसमें बताया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस को छोड़कर सभी विषयों की परीक्षा होगी, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आज ही अभी इस वीडियो बनाते समय शिक्षा विभाग ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। उस नोटिस को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसमें साफ साफ कहा गया है कि सिर्फ एस्टेट 2022 जो अभ्यर्थी हैं कॉमर्स से जुड़े हुए हैं उन्हीं का एग्ज़ाम होने वाला है, उन्हीं के लिए एस्टेट 2022 में, और उसके साथ साथ कुछ और भी विषय हैं जिसके लिए एस्टेट 2022 का नोटिफिकेशन आएगा। बाकी जो भी विषय हैं उनका एस्टेट 2019 में जो भी फॉर्म फिलअप हुआ, एग्ज़ाम आया, उसके बाद से रिजल्ट भी आया, तो उनको दोबारा से कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें 7वें फेज में जब नोटिफिकेशन आएगा तो डायरेक्ट उनको ऑनलाइन सेटराइज प्रोसेस के द्वारा डोमिसाइल नीति से अप्लाई करना होगा और उन्हें सब कुछ ज्वाइनिंग प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आपने देखा भी होगा कि न्यूज़पेपर में दिया गया था कि माध्यमिक कक्षा जो कि 9वीं और 10वीं के हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और कॉमर्स विषय के लिए एसटीटी 2022 होने वाला है, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय की एसटीटी नहीं होगी। तो यहाँ पे दिया गया है साफ, आप देख सकते हैं, माध्यमिक कक्षा जो कि 11वीं और 12वीं के लिए कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी विषयों अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और भाषा, इसके साथ साथ जिसमें मैथिली, उर्दू, भोजपुरी और कॉमर्स विषय के लिए एसटीटी होगी। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 11वीं और 12वीं के में कंप्यूटर साइंस छोड़कर सभी में एग्ज़ाम होगा, यानी एसटीटी आने वाला है 2022 में। लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑफिशियल जो नोटिस जारी हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सभी विषयों के लिए एसटीटी होगा या फिर सिर्फ कॉमर्स के लिए होगा। तो चलिए, ये बाकी आप न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ पे जो भी न्यूज़ दिया गया है उसको पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया है एसटीईटी 2019 के सभी उत्तीर्ण को भी मौका मिलेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एसटीईटी का रिजल्ट आने के बाद से दो ग्रुप बन गए हैं, एसटीईटी मेरिट लिस्ट और एसटीईटी क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट। तो यहाँ पे सरकार ने साफ कह दिया है कि जो भी लोग एसटीईटी क्वालिफाइड हैं उन सभी को 7वें फेज में जाने का मौका मिलेगा और वे सभी शिक्षक बनने के पात्र हैं। अब ये देखना होगा कि नियोजन इकाई कैसे मेरिट बनाती है, ये अभी जो भी नोटिफिकेशन आएगा अगस्त के फर्स्ट वीक तक अगर आता है तो उसमें मेंशन किया रहेगा, आपको इंतज़ार करना होगा। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि आगामी चरण में 1 लाख शिक्षक की होनी है भर्ती, यानी काफ़ी ज़्यादा भर्ती यहाँ पे होने वाली है। और सीट की संख्या भी दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षक के लिए 40,000 लगभग सीट है, उच्च माध्यमिक के लिए 47,896 पद हैं और कंप्यूटर साइंस में 1,000 रिक्त पद हैं। और यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जब वैकेंसी आई थी, यानी जब एसटीईटी 2019 का नोटिफिकेशन आया था, तो उसमें रिक्ति जो थी वो 1673 समथिंग मेंशन हुआ था, तो वो रिक्ति ऐड होती है या फिर कितना रिक्तियों पे बहाली होगी कंप्यूटर साइंस में। अब जो भी रिक्ति की गणना हो रही है लगभग पूरी हो चुकी है, वो पूरी होने के बाद से सरकार खुद बताएगी, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे बहुत सारे नीचे न्यूज़ भी दिए गए हैं, इसको हम लोग स्किप करके डायरेक्ट ऑफिशियल जो न्यूज़ दिया गया है उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के कारण एसटीईटी के संदर्भ में कतिपय भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि याचिका संख्या 100 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित न्यायाधीश एवं उक्त के उद्भूत जो भी संख्या दिया गया है उसके आलोक में वाणिज्य संकाय यानी कॉमर्स सब्जेक्ट में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किए जाने का निर्देश है। यानी जो भी कॉमर्स के छात्र हैं उनके लिए यहाँ पे स्टेट 2022 का आयोजन करना अनिवार्य है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है। और माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा याचिका संख्या 100 में पारित न्यायाधीश के अनुपालन में तत्काल वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी ताकि इस विषय में उत्तीर्ण उम्मीदवार नियोजन में सम्मिलित हो सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि सिर्फ वाणिज्य यानी कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए ही स्टेट का आयोजन किया जाएगा और बाकी किसी विषय का यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, जबकि अखबार में वहाँ पे दिया गया था कि कंप्यूटर के अलावा सभी विषयों में स्टेट का आयोजन होगा, जबकि यहाँ पे सरकार ने साफ कह दिया है कि सिर्फ कॉमर्स वालों के लिए स्टेट का आयोजन होगा अकॉर्डिंग टू पटना हाई कोर्ट। अब यहाँ पे देखना होगा कि सातवें फेज के बाद स्टेट आती है या उससे पहले, लेकिन जो भी शिक्षा विभाग के सचिव है पदाधिकारी है उनका कहना है कि स्टेट 2022 के आने से जो सातवें फेज के अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति पे कोई असर नहीं होगा, यानी उनकी नियुक्ति अगस्त के माह से शुरू होगी और लगभग समय जो भी दिया गया है उस समय पे पूरी कर ली जाएगी। तो ये भी देखने वाली बात है कि सच में अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में अगर नोटिफिकेशन आता है तो कब तक पूरी होती है और स्टेट 2022 पे इसका कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, अब आने वाली समय ही पता चलेगा। तब तक के लिए अगर कोई न्यूज़ आती है तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चैनल के माध्यम से ज़रूर सूचित करूँगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।